नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जोरदार टक्कर मात्र बम डाला। सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि शंकर चौधरी एवं श्रीनिवास कुमार अपने रिश्तेदारी के वजह से अपनी जान के रास्ते विक्रमगंज से निकलते नहीं टोला लौट रहे थे। तो विक्रमगंज की तरफ से भी तेज रफ्तार से आ रहे बाली रवि चक्की पीछे से बाकी जोरदार टक्कर मारते हुए दो लोगों को बम डाला। प्राप्त जानकारी के अनुसार 55 वर्ष के शंकर चौधरी को जख्मी अवस्था में स्थानीय लोगों के द्वारा विक्रमगंज के अस्पताल में इलाज कराने के लिए ले जाया जा रहा था। जबकि शीशे को तोड़कर टायर जला आग जिन पर 5 घंटे तक सड़क को जाम रखा गया। जैसे ही इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को मिली तो हादसे पर फौरन पहुंचकर हादसे का जायजा लेते हुए विक्रमगंज के एसडीएम दिलीप कुमार, उपखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार, अंचलाधिकारी आदेश चंद्र रंजन सिंह, जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि यातायात को सुचारू रूप से चालू कराकर शंकर कंप्यूटर ऑपरेशन करने के लिए सासाराम भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि ट्रक को स्थानीय पुलिस की निगरानी में रखा गया है। उन्होंने बताया कि ट्रक का नंबर 24